ये वाला इवेंट क्यों अटेंड कर रही हूँ? It has two very special reasons. मैं आज का जो मेकअप कर रही हूँ वो खुद मेरा एक एक्सपेरिमेंट ही है. अब जो दिया है भगवान ने वो दिया है. मेरा फुल टाइम में ये सपना था. So I just want to see whether he still notices how I've dressed up. Hi my beautiful people. I hope आप सब लोग स्वस्थ हैं और मस्त हैं. आज मैं बहुत 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 सालों के बाद इवेंट अटेंड करने वाली हूँ. आप सब जो मुझे बहुत करीबी से जानते हैं वो ये भी जानते हैं कि मैं इवेंट्स नहीं अटेंड करती हूँ, पर ये वाला इवेंट क्यों अटेंड कर रही हूँ? इट हैज टू वेरी स्पेशल reasons. जो reasons है वो मैं आपको इस ब्लॉग के अंत में बताऊंगी, बट इसके लिए क्या हम प्रेपरेशन कर रहे हैं और कैसे हम तैयार हो रहे हैं वो आप मेरे साथ देख सकते हैं. आज मैं मेकअप बेयर मिनिमम करने वाली हूँ बिकॉज माय आउटफिट इज सुपर गॉर्जियस. आज मैंने अपना बेस जो है बहुत ही लाइट चूज किया है. सच कहूँ तो मैं आज का जो मेकअप कर रही हूँ वो खुद मेरा एक एक्सपेरिमेंट ही है, क्योंकि मुझे कुछ नया आज ट्राई करना है. आई डोंट नो ये मेरा नया ट्रायल इज इट गोइंग टू बी लाइक अ कंप्लीट डिजास्टर और इट मे टर्न आउट इनटू समथिंग गुड आल्सो, बट लेट्स सी. आज मैं पता है एक और चीज एक्सपेरिमेंट करने वाली हूँ. मैंने इंस्टाग्राम पे कल ही देखा था, लेट्स सी अगर मैं वो अचीव कर पाई. तो वो मैंने क्या देखा था, लिपस्टिक से हल्का सा लिप्स ऐसे डैब किए थे, सेम लिपस्टिक से यहाँ पर चीक बोन हाईलाइट करके ये ऐसे लेकर गए और ये ऐसे लेकर गए. अब मुझे इसको ब्लेंड करना है. आई विल डू इट विथ माय फिंगर टिप्स. बहुत सारे लोग बोलते हैं तुम अपनी ब्राउज अच्छे से नहीं करती हो, बहुत अजीब लगती है. देखिए उसका तो मैं कुछ कर नहीं सकती हूँ. अब जो दिया है भगवान ने वो दिया है. वैसे मैं आपको बताई देती हूँ, पहला रीजन एज आई टोल्ड यू इन द बिगनिंग ऑफ द ब्लॉग कि मैं इवेंट्स पे जाती ही नहीं हूँ. आई हैव माय ओन रीजंस, बट ये इवेंट मैं स्पेशली क्यों जा रही हूँ, बिकॉज आउट ऑफ मेनी ड्रीम्स that I had and some of them that I've achieved. मेरा स्कूल टाइम में ये सपना था कि मैं मिस वर्ल्ड में रिप्रेजेंट करूँ इंडिया को. और जब मैंने मिस इंडिया के लिए अपने फॉर्म्स जब भरे थे उस वक्त क्राइटेरिया था कि मॉडल की हाइट 5 feet 6 inches से ऊपर होनी चाहिए एंड आई एम 5 feet 4 inches. इसलिए 2 inch से जो मैं रह गई वो मलाल मेरे दिल में आज भी है. सो बट दैट इज नॉट द रीजन दैट आई एम गोइंग, बट आई जेन्युइनली वॉन्टेड टू विटनेस दिस होल पेजेंट. बिकॉज मैं एक टाइम पर मतलब मेरी ये दिली इच्छा थी कि मैं इस पूरे पैटर्न का हिस्सा बन सकूं. तो इसलिए अब क्योंकि इंडिया में हो रहा है मिस वर्ल्ड, 71st मिस वर्ल्ड इंडिया में हो रहा है एंड आई डिड नॉट वांट टू लूज द अपॉर्चुनिटी सो ऑफ विटनेसिंग दिस. बट जो दिली इच्छा जो पूरी नहीं हुई तो कम से कम मैं विजुअली देख कर उसे पूरा तो कर ही सकती हूँ. करेक्ट. सेकेंड रीजन ब्लॉग के एंड में ही बताऊँ. आज से पहले मैंने ऐसा हेयर स्टाइल कभी जीवन में नहीं किया है. मैंने जब तक ये पे लेट कर सो जाऊं और फिर पता चले कि पीछे से बाल बन रहे हैं मेरे और इरफान मेरे बाल खींच रहा है बहुत बुरी तरह से. मेरा भी कुछ ऐसे ही कर देना. हेयर स्टाइल हां मेरी टुडे भी है. बताओ स्लीक कर देंगे कुछ. अभी हम सिर्फ 70% रेडी हुए हैं. लास्ट के 30% जो है वो बाकी है. बट मैं चाहती थी कि हम अभिनव का रिएक्शन नोटिस करें, क्योंकि मैंने बहुत सुना है बच्चे होने के बाद ना कपल्स जो हैं एकदम किड्स सेंट्रिक हो जाते हैं, सारा फोकस बच्चों पे रहता है. तो उनका जो अपना पर्सनल मोमेंट या यू नो दैट इंटीमेट टाइम जो है वो अक्सर वो भूल जाते हैं क्योंकि स्लीप डिप्राइव्ड होते हैं. यू नो दे आर सो बिजी विद किड्स एंड एवरीथिंग. सो आई जस्ट वॉन्ट टू सी वेदर ही स्टिल नोटिसेस हाउ आई ड्रेस्ड अप. Also, ये सेकेंड बड़ा रीज़न जो आपको मैं बताने जा रही हूँ इट हैज़ समथिंग टू डू विद दिस थिंग. तो आप अभी नोटिस करना तो क्या अभिनव ने नोटिस किया मैं रेडी हुई हूँ और कैसी लग रही हूँ. सो यू ऑल्सो सी दैट रिएक्शन. आई एम जस्ट स्टेपिंग आउट. मैं मुझे देना क्लीन करने उसको क्या सही करने देना मुझे. मैं सर का रिएक्शन देखने आई थी. नाइस आई लाइक इट. यू लाइक इट? या हश. थैंक गॉड. थैंक यू सो मच यू नोटिस, क्योंकि मुझे तो डर ही लग रहा था तुम नोटिस करोगे कि भी नहीं. ओह थैंक यू. दैट डू ओकेजनली यार. मम्मी ने वीडियो भेजा है. एक मिनट जरा बाल पकड़ो जरा ना. ये सुबह सो गया ना ये इसलिए.
Nice. So about देर के बाद probably years. After years. We are stepping out together, that too for an event. And otherwise, after months, we are stepping out for a nice, well-dressed date. Yeah. I'll take it as a date. You are always well-dressed. It's me who's a little different today. नहीं तो हमेशा. My shorts and my t-shirt. Yes, and also हम Jio Conventional Center पहली बार आ रहे हैं. जब से ये inaugurate हुआ तब से हमें मौका ही नहीं मिला. As you all know, pregnancy and then babies. तो आज यहाँ पे भी हम पहली बार आ रहे हैं. I think हम पहुँच गए हैं. And who is, I mean, who's from your country? Mola Jan, Miss Mola Jan. Shimen Mola Jan. Good luck. Yeah. Shimen Mola Jan. Shimen Mola Jan. Yes. Lovely. You know him? Huh? No. This is the third. We are representing India. Are you representing India? Yeah. Okay. Yeah. Okay. Yeah. Okay. Okay. Later. Fabulous event. बहुत मजा आया. And now finally I want to share the second most important reason कि क्यों मैं इस event में आज specially गई. Is the reason I just wanted to step out with Abhinav, specially dress up, see his reaction. जो कि अब normal day to day routine life में नहीं हो पाता है. Of course because of our twins. अपने लिए या अपने marriage के लिए वो special moment और special dates possible नहीं हो पाती. तो मैंने ये सोचा कि why not? This is going to be our special date where I dress up and I want to see his reaction. So that was the most important reason for me. And I hope aapko hamara vlog pasand aaya ho. And let us know. So vlog ka pata nahi mera hairstyle, par mera costume zarur pasand aayega. He looks dashing as always.